जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हो संगवारी हो? बने बने ना, आप सबके बहुत बहुत स्वागत है मुर्सीजी तड़का वन चैनल में। तो आज मैं लाए हूँ अंडा करी की रेसिपी। ये अंडा करी बहुत ही कम मसाला में और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला है। तो चलो एक रेसिपी शुरू कर थन। नॉनवेज खाने वाला मन तो बोर हो गया रही सही मोर वीडियो देख देख के। काबर अभी तक मैं कोई भी ऐसे वीडियो नहीं ला रहा हूँ जो कर मतलब पसंद आए। तो चलो भाई, आप मन भी नाराज मत हो ना। तो पहले गांव में लाए हूँ अंडा की रेसिपी। और नॉनवेज तो वैसे मैं नहीं खाऊँ, लेकिन फिर भी रेसिपी तो बता सकता हूँ आप मतलब। तो हम सबसे पहले प्याज ले लें। कुछ प्याज ला बड़े कप टुकड़ा काटे हैं और कुछ ला बारीक में काटे हैं। टमाटर ले लिया हैं, टमाटर ला भी काट ले हैं। तब टमाटर ला पीस ले बो और प्याज ला भी पीस ले बो। अब इला पीस ले और हम ले ले हैं लहसुन मिर्ची और अदरक। अदरक ला कूट ले हैं, लहसुन ला छील ले हैं, टमाटर ला पीस ले हैं। टमाटर बढ़िया पिसा गए हैं। बाकी मसाला तैयार करे पहले अंडा ला उबाले के लिए रख देते हैं। कार बहुत जल्दी उबल जाते हैं अंडा। तो ये अंडा उबल चुके हैं और इला छील भी ले हैं। इला फोक चम्मच से, मैंने कांटा वाला चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऐसे करके घोप घोप के रख देना है, ताकि जब तलन तो कई जनमन तले वाला पसंद करते हैं और कई जनमन बिना तले वाला। तो तलना है ना, तो मत तेल छिटक थे और फूटे के भी डर रहे थे, तो पहले से इसे थोड़ा से नोक लगा देंगे तो फिर ये फूटे नहीं और मसाला का है उखर अंदर ही अच्छा से जाए। तो ऐसे नोक लगाना है बहुत जरूरी है। चलो फिर आगे बढ़। अब पैन गरम कर रखते हैं, इसमें थोड़ा से तेल डालेंगे, काहे अंडा ला तलना है। हमारे यहाँ तो तले वाला ही पसंद करते हैं। अब सारा अंडा में डाल दें, थोड़ा थोड़ा उमन नोक लगा के और थोड़ा सा पलट पलट के लो तल लेना है, ताकि सब तरफ अच्छा से तला जाए। अंडा ला तल के दूसरे बर्तन में निकाल लें, तब तक दूसरा मसाला की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा से धनिया, खड़े धनिया ले हैं और एक चम्मच जीरा, और इसमें डालेंगे लौंग, इलायची और काली मिर्च। तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले जिसे आते हैं पैकेट, वो भी डाले हैं। तो हल्का से उला भून के फिर पीस ले हैं। अब इमें तो थोड़ा से यानी अदरक लहसुन इसने नहीं पिसा है, पॉट में छोटे पड़ जाते, तो मैं और खड़े मसाला भी डाल के एक साथ पीस ले रहे हूँ। अब तेल में तेज पत्ता डालें, जीरा डालें, जीरा जैसे कड़क जाए उखर बाद बारीक कटे जो प्याज है वो ला डाल देंगे। अब इमा प्याज डाल दे हैं, प्याज ला हल्का गुलाबी होते तक भूनेंगे। अब प्याज भून चुके हैं, एक बार फिर से चला देते हैं। अब डालिए इमा अदरक लहसुन के पेस्ट और खड़ा मसाला, सब ला एक साथ ही पीसे रहे हूँ। इला भी अच्छा से मिला देंगे। तो आप में से कौन कौन नॉन वेज प्रेमी हो जरूर बताओ, ताकि मैं आगे वीडियो ला सकूँ आप सबके लिए।
अभी हम प्याज डालते हैं पीसे हुए, भाई एक ही मिक्सर पॉट में पीसा था तो कर वजह से सब मसाला एक जैसे ही दिखते हैं। एक बार अच्छा से मिला देंगे ताकि जले ना, और खुशबू तो बहुत अच्छा आए लग गए घर मसाला के। अब जब एक तो अब ये मसाला भून चुके हैं, इसमें डालेंगे फिर से टमाटर। तो आप टमाटर कच्चा भी डाल सकते हो, और मैं ये पीस के डाले हूँ ताकि ग्रेवी बढ़िया बनते और कलर भी अच्छा आते। अभी ला थोड़ा देर भूनने देता, तब तक हम ले ले हैं दही 2 चम्मच कस्तूरी। अब टमाटर भून चुके हैं, 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम डालेंगे कस्तूरी मेथी और हरा धनिया। अभी अच्छा से मिक्स कर देंगे। एक आध मिनट भुनन देते तो कर बाद में डालेंगे मसाला। तो पहले डालें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। खड़े मसाला पीसते टाइम में उमा थोड़े से रेडीमेड वाले मसाला के पाउच जो आते खड़ा मसाला के, वो डाल के भी अच्छे से पीस ले रहे हूँ। इखर का गर्म मसाला कम ही डाला था, लास्ट में डालूँ। अब मसाला के कलर भी बहुत अच्छा दिख रहे थे, और मैं इमा हरा मिर्ची भी पीस के डाले रहे हूँ करके, लाल मिर्ची नहीं डाले हूँ। अब इमार डाल दें 2 चम्मच दही, तो ये मीठा दही है, इला जल्दी जल्दी से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि फटे ना। अभी मसाला बढ़िया भून चुके हैं, दही भी मिक्स हो चुके हैं। अभी 2 मिनट बाद पूरा ही अच्छे से तेल छोड़ दे। अभी हम पानी मिलाते हैं और रस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं कम यानी गाढ़ा ही रस रखे हैं, कम लोग के लिए बना था। तो अब इमा हम उबाल आ गए तो फिर अंडा डाल देंगे। एक एक करके सारा अंडा इमा डाल देने हैं और अच्छे से एक बार इला मिला देंगे। 2-3 मिनट सब्जी ला अच्छे से खोलन देते, एक बार अच्छे से मिला देते हैं। उखर बाद जब खोल जाए उखर बाद लास्ट में ज़रा से गरम मसाला मिलाएंगे, और फिर दूसरा बर्तन में निकाल के ऊपर से धनिया डाल देंगे। तो आप सब ला आज के ये अंडा करी की रेसिपी कैसे लगी इसमें ज़रूर बताओ, और मोर चैनल में जो नया है मोर चैनल ला लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपन दया मया बनाए रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आप सब ला फिर से एक बार जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।